नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2017 में एसएससी सीजीएल टायर वन का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि लगभग 180 या 170 डेज के आसपास समय बचा हुआ है। अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, बेटर टाइम मैनेजमेंट के साथ, बेटर रिसोर्सेज के साथ, बेटर गाइडेंस और बेटर प्लानिंग के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर इसका इस पर्टिकुलर टाइम का, स्पेशली अगले 2-3 महीनों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया और वेट किया गया कि जब नोटिफिकेशन आएंगे तो तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो बेटर यही है कि इमीडिएटली आप स्टार्ट करें, जिससे कि टायर वन में बहुत अच्छा स्कोर हो। अगर टायर वन में बहुत अच्छा स्कोर होगा तो टायर टू और टायर थ्री के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसकी वजह से आप टोटल ओवरऑल स्कोर करने ज़्यादा करने में मदद मिलेगी। अगर हम एसएससी सीजीएल का पैटर्न देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रेजेंटेशन को वो भी होंगे जो कि नए होंगे और इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे, और उनको ये पता नहीं होगा कि कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है और किस किस कितने नंबर का एग्जाम होता है। या जिनको पता भी है तो हम एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं कि कितना स्कोर चाहिए हर स्टेज में तो जॉब मिलने की संभावना होगी। मैं क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा, मैं जॉब लेने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग का मतलब यहां पे जॉब लेने से भी रिलेटेड होना चाहिए। सिर्फ तैयारी करना इसका आधार नहीं हो सकता। अच्छी तैयारी तभी होगी जब आप कोचिंग, जब आप जॉब के ऊपर फोकस करेंगे। तो 3 स्टेज में, जैसा कि आप जानते हैं, ये एग्जाम होगा, टायर वन, टायर टू और टायर थ्री। टायर वन होता है वो 200 मार्क्स का होता है, टायर टू होता है वो 400 मार्क्स का होता है, और टायर थ्री होता है वो 100 मार्क्स का होता है। टोटल 700 मार्क्स में आपको स्कोर करना है। लेकिन ये सेकेंड राउंड में आप तभी पहुंचेंगे जब टायर वन में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, और सेकंड से थर्ड में तभी पहुंचेंगे जब आप सेकंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आपने टायर वन में अच्छी दी, इसलिए टायर टू में हुआ। टायर टू में अच्छी देने के बाद टायर थ्री में, थर्ड राउंड में पहुंचेंगे, और जो थर्ड राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, टोटल ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उनको जॉब मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि आपको अगर इतना स्कोर करते हैं टायर वन में तो आप एवरेज स्टूडेंट कहलाएंगे, और अगर इतने स्कोर में हो सकता है कि आपका टायर वन क्लियर हो, लेकिन अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और ज्यादा स्कोर कितना हो सकता है, आपको 300 प्लस, ज्यादा 320, 350 इस रूप में टायर टू में स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर जॉब की संभावना होगी। एक अजम्पशन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 140 आते हैं टायर वन में और 300 स्कोर आता है टायर टू में, और टायर थ्री में 100 में से 55 स्कोर करता है, तो उसके इतने नंबर होंगे, और वो हो सकता है उसको 20% चांस, 30% चांस है कि जॉब मिले, और इस बात की संभावना हो सकती है काफी, जैसे मैंने बताया कि जॉब न मिले, मतलब उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, जॉब के नजदीक पहुंच गया है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसे स्टूडेंट काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा, कि जिसने टायर वन में अच्छा स्कोर नहीं किया लेकिन टायर टू में बहुत अच्छा कर दिया और टायर थ्री में भी अच्छा कर दिया, तो उसकी संभावना काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि टायर वन में बहुत अच्छा स्कोर किया, 170 लिया, टायर टू में 1350 लिया और टायर थ्री में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, तो वो फिर इंडिया में टॉप 20, टॉप 30 या टॉप 50 में अपनी पोजीशन को देख सकता है। तो उसके लिए चाहे एग्जामिनर का, जो कि सबसे ज्यादा हाई मेरिट जाने की संभावना हो सकती है, या स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा एक रेपुटेड पोस्ट के रूप में देखते हैं, या इनकम टैक्स हो, उस तरह की जॉब मिलने की संभावना उनको होगी। तो मोटे तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर टायर टू में ये स्कोर होगा तो आपका अच्छा स्कोर है, टायर थ्री में ये बहुत अच्छा स्कोर है। ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो 350 प्लस की स्कोर के अनुसार आपको चलना चाहिए। और ऐसे ही अगर टायर टू में आपका स्कोर, टायर वन में आता है 155, तो आपका अच्छा स्कोर है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर तभी माना जाएगा जब 170 के आसपास है। और ये जो स्कोरिंग मैं बता रहा हूँ, जो पिछले साल 2016 में जो एग्जाम हुआ और उसका पेपर जिस ढंग से आए, 75 मिनट का टाइम, रीजनेबली एवरेज पेपर या बिलो सिंपल पेपर, इजी पेपर, तो उस केस में इतना स्कोर जाने की संभावना उस लिहाज से आपकी होगी।
अगर आपको जॉब के रूप में देखना है तो। अब आता है कि अगर टायर वन की मैं बात करूं, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है मॉड्यूल है वो टायर वन के साथ एसोसिएटेड है, तो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2500 क्वेश्चन, 75 मिनट का टाइम। मुझे लगता है कि आसानी से 100 क्वेश्चन किए जा सकते हैं 75 मिनट में, क्योंकि जो पहले पैटर्न होता था 2016 में ऑनलाइन एग्जाम से पहले, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसमें 200 क्वेश्चन होते थे 120 मिनट्स में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 75 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है वो डुएबल है, आसानी से किए जा सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना था 2016 में जिन्होंने दिया, कि उस किसी के 5 मिनट बच गए थे, किसी के 10 मिनट बच गए थे, या उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो जिनको आता था वो सारे। 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके, और एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है, 0.5 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसके बाद इस रेंज में आते हैं तो आपका जॉब लगने की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, एक यहां तक कि ज्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट की एक विचारधारा कई बार डेवलप हो जाती है कि क्वेश्चन बहुत इजी थे, मेरा तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है, और जब सीट लिमिटेड होगी तो सिलेक्शन तो उसी रेशियो में होगा, जो पेपर आसान आए जो पेपर मुश्किल आए, संभावना तो उतनी ही होगी, प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी, लेकिन एक धारणा बन जाती है कई बार कि आसान है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल है तो मैं मर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कुछ स्टूडेंट तैयारी करते टाइम में, स्पेशली वो स्टूडेंट होते हैं जो कि काफी लर्न करने मोड में नहीं होते, वो हमेशा हर क्वेश्चन को उस नजर से देखते हैं, इसका लेवल बहुत कम है, लो लेवल। और उस चक्कर में उनके साथ होता क्या है कि वो ये नहीं सोचते कभी भी कि अगर लो लेवल है आपके अनुसार है तो वो तो मेरिट चली ज्यादा चली जाएगी, क्या आप उस मेरिट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आमतौर पर उस तरह के स्टूडेंट है, इस बात की संभावना होती है वो टायर थ्री तक पहुंचते पहुंचते कहीं कहीं वो लटक जाएंगे, क्योंकि वहां पे एटीट्यूड या लर्निंग प्रॉब्लम आ गई है उनके दिमाग में। तो याद रखिए कि अगर आसान भी क्वेश्चन है तो आपको उतनी ही गंभीरता से लेना है, या जिसको आप लो लेवल मान रहे हो उसको उतनी ही गंभीरता से लेना है जितना कि आप हायर लेवल को लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि स्कोरिंग है वो डे बाई डे हर साल बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, वैकेंसी इतनी है, सारे लोग उसी क्वेश्चन को लो लेवल जिसको आप समझ रहे हैं उसको सोल्व करना है सभी को, तो इसका मतलब जो बेटर ढंग से ज्यादा क्वेश्चन करेगा सोल्व वो आगे बढ़ेगा, और जो इस तरह से सोचता जाएगा कि ये तो इसका तैयारी क्या करनी, तो वो हो सकता है एग्जाम ही पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी पहले ही गड़बड़ हो गई है। तो आप थोड़े ध्यान रखिए कि जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो एक लर्निंग मोड में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर टू, कोई आसान है उस नजर से मत देखिए, आपका जो कंपटीशन है वो नंबर ऑफ वैकेंसी और टोटल एप्लीकेंट के अनुसार होता है। अगर पेपर मुश्किल है मेरिट कम चली जाएगी, आसान है तो ऊपर चली जाएगी। यह था नजरिया सोचने का, और टायर वन का पैटर्न किस तरह से होता है। हम आगे आने वाले टाइम में प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें बताएंगे कि मैथ में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, लेकिन यहाँ पे मकसद है जो हम एक प्रोग्राम लॉन्च करना जा रहे हैं वह है जॉब अश्योर टायर वन। जैसा कि आप बहुत सारे लोग आप में जानते होंगे कि पिनेकल कोचिंग सेंटर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग SSC CGL की स्पेशल तैयारी करवाते हैं, मतलब स्पेशलाइज कोचिंग सेंटर SSC CGL से रिलेटेड है। SSC CGL से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे मॉड्यूल लॉन्च होते हैं, उस मॉड्यूल में अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप वो परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका हिस्सा बन सके। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है परचेज करने का, या आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एक 5-7% हमारा मॉड्यूल का वो फ्री होता है, आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सभी फैसिलिटी है वो उन स्टूडेंट को दी जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम आपको सपोर्ट कर रही है, उसके फाइनेंशियल बैकअप बहुत स्ट्रांग चाहिए, कमर्शियली स्ट्रांग चाहिए, तो वो उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है स्पेशल। जैसे कि 2017 के लिए जॉब अश्योर टायर वन हमने ये स्टार्ट किया है, और उसका मकसद होगा कि स्टूडेंट इंगेज रहे। इंगेज का मतलब, कई बार क्या होता है कि हमें स्टूडेंट को ये लगता है कि 17 जून को एग्जाम होगा, अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, इस दौरान वो नेगेटिव चीजों से भर जाता है, वो ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है, कोई किताब खरीद रहा है तो 15 दिन लगा दिए,
आप बोल सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज बहुत होती है, ढंग से तैयारी करते करते उसका टाइम है वो चला जाता है, वो तब भी टाइम उस दिशा में नहीं लगा पाता जिससे कि रिजल्ट आए। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जिसका काम होगा डेली एक्टिविटी में, डे वाइज सिलेबस में, और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उनको करवाना, कवर करना वेल गाइडेड रूप में जो एसएससी में आमतौर पर आता है, और डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन उनसे आए उस रूप में हमारा टारगेट है टू एंगेज मोटिवेट वेल गाइडेड प्रिपरेशन फॉर पिनेकल स्टूडेंट, और वो पिनेकल स्टूडेंट एग्जिस्टिंग पिनेकल स्टूडेंट भी होंगे और जो स्टूडेंट नया ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 2017 की तैयारी करना चाहते हैं और वो कोचिंग की तरफ देख रहे हैं, तो हम वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स ऑफ जॉब अश्योर प्रोग्राम टू मेक डेली शेड्यूल ऑफ फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 एग्जाम, कि आपकी एक्टिविटी डेली फिक्स हो जाए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। वरना होता क्या है कि आप थोड़ा सोचते हैं, फिर सोचते हैं कल से स्टार्ट करूंगा, फिर सोचते हैं थोड़ा सा, फिर सोचते हैं कि कल से ये करूंगा, तो आमतौर पर कल करते हुए बहुत सारा समय निकल जाता है। टू मॉनिटर परफॉर्मेंस डेली, कि आपकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग हो, फीडबैक दिया जाए, एक्शन प्लान हो, व्हाट टू डू वीकली आपके टारगेट फिक्स कर दिया जाए, उसको डेली में डिवाइड कर दिया जाए। टू इंप्लीमेंट डेली शेड्यूल ऑफ वीकली असाइन टारगेट, हाईली इंगेज्ड मोटिवेटेड एंड गाइडेंस प्लान ऑफ डेली 8 to 10 hours। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, उनके लिए एक अलग प्लान है हमारा जॉब अश्योर प्रोफेशनल टायर वन, वो आगे मैं बताऊंगा और आप उसकी एक अलग से प्रेजेंटेशन है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं उनके पास काफी टाइम होता है, 8 से 10 घंटे वो लगा सकते हैं, फुल टाइम तैयारी करते हैं या 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं। ये प्रोग्राम जॉब अश्योर टायर वन आपके टाइम को बेटर ढंग से मैनेज करने के लिए है। रिड्यूसिंग नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी एट मिनिमम और जीरो लेवल, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट फॉर न्यू पैटर्न। इस जॉब अश्योर में के अलावा आपको कोई किताब या कोई कोचिंग या कोई टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप में फुल गाइडेंस और फुल डिटेल प्रोग्राम जिसमें कि स्टडी कंटेंट और वीडियो लेक्चर सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ मोबाइल इंटरनेट आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा तो पिछड़ने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप टेक्नोलॉजी से भागिए मत, टेक्नोलॉजी का स्वीकार कीजिए, आपको फायदा होगा, स्वीकार करने से ही आप में आपकी भलाई होगी। एलोकेशन ऑफ टाइम, आज हमारे पास लगभग 173 डेज, अगर मैं 25th से बात करूं, 25th दिसंबर से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 8 घंटे के 8 आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो 1384 आवर्स का टाइम आपके पास है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनका दो से तीन घंटे के बीच में अगर मैं देखूं, उसके लिए अलग मॉड्यूल है जो अश्योर टायर वन के अंतर्गत ही, तो 404 आवर्स उनके पास होंगे। कुछ स्टूडेंट के पास ज्यादा टाइम, कुछ स्टूडेंट के पास कम टाइम, कुछ ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट, कुछ कम टैलेंटेड स्टूडेंट, लेकिन वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन और टाइम मैनेजमेंट रिसोर्सिस मैनेजमेंट का किया जाए तो कम टाइम ज्यादा टाइम को चीजें मैनेज की जा सकती है। यहां पर टाइम मैनेजमेंट एक इश्यू हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। These 384 hours, the most crucial, ये जो 1384 मतलब 1400 घंटे आपके पास हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। क्यों? क्योंकि आगे लगभग पूरी जिंदगी की 70 years लाइफ अगर मान लिया जाए तो उसमें इसका रोल अगर 6 लाख घंटों में देखा जाए जो जिनने की संभावना होती है, तो उसमें 0.23% ही रोल है इन वर्किंग आवर्स इनका अगर 17 जून तक का। लेकिन जो ये आवर्स है, ये टाइम है, सबसे क्रूशियल है इन 70 इयर्स की कैसी लाइफ होगी आपको फैसला करेगा। अगर आपने बहुत अच्छी जॉब ली इस दौरान तो आपकी लाइफ बहुत शानदार होगी, पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी, फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होगा,
और जॉब अगर इस रूप में नहीं मिलती है तो एक डिफरेंट दिशा में होगी, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। आमतौर पर एक स्टूडेंट 17, 18 या 20 साल मेहनत करता है पूरी लाइफ में स्टडी पे, और ज्यादातर केसेस में उस स्टडी लाइफ से जॉब नहीं मिलती। और जॉब कब मिलती है, स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब जो चाहते हैं उनकी बात करूं तो स्पेशल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तब। और अगर वही विचारधारा के साथ तैयारी की जाती है जैसे कि 17-18 ईयर्स तैयारी कर रहे थे तो इसमें जॉब मिलने की संभावना न के बराबर होगी। इसका मतलब यहां पर दृष्टिकोण हमें चेंज करना पड़ेगा, कंपटीशन के लेवल को समझना पड़ेगा, कंपटीशन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए, गाइडेंस का लेवल बहुत हाई चाहिए, तब जाकर मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई चाहिए, तब जाकर आप जॉब की सिचुएशन में आएंगे, वरना स्टडी आवर्स स्टडी ईयर्स जैसे बिताए वैसे ये टाइम बीत जाएगा। हाउ टू एलोकेट टाइम डिपेंड ऑन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट अपना अलग होता है, हम देखने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। पहले हम देख लेते हैं डिफाइन आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप कहां पे स्टैंड कर सकते हैं, इसमें देखने की कोशिश कीजिए और आपको किस तरह की स्ट्रेटजी होगी। एक ही टाइप की स्टडी सब पे लगे, एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा। हर लोग की अलग की होगी या हर लोग की एक अलग स्ट्रेटजी या की होनी चाहिए। फर्स्ट यू डिसाइड वेयर यू आर, विच टाइप यू बिलोंग टू, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर या टाइप फाइव, टाइप थ्री। हमने 6 टाइप के स्टूडेंट की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। उसमें पिनोकल लॉन्चेस जो लॉन्च किया है उसमें कस्टमाइज प्रोग्राम होगा, जॉब एश्योर टाइप वन, जो जॉब एश्योर प्रोग्राम है टाइप वन के लिए, उसमें टाइप वन स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है, टाइप टू स्टूडेंट के लिए डिफरेंट, टाइप थ्री के लिए डिफरेंट, टाइप फोर के लिए डिफरेंट, और टाइप फाइव जैसे कि आगे बताऊंगा मैं उनके लिए भी बिल्कुल डिफरेंट, जो कि रैंकिंग के लिए जॉब एश्योर टाइप फाइव फाइटिंग फॉर ऑल इंडिया टॉपर्स क्लब, जॉब एश्योर टाइप सिक्स प्रोफेशनल हाई एबिलिटीज प्रोग्राम, बट वेरी लेस टाइम, इनके पास टाइम नहीं होता, एबिलिटी हाई होती है। तो 6 टाइप के हमने स्टूडेंट को डिवाइड किया है। वंस यू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होनी होगी, यू विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वीकली टारगेट दैट विल बी अचीव डेली एंड विल बी मॉनिटर्ड। यह हमारा प्रयास होगा, इस पर काम होगा। देखते हैं कि वो कौन सी 6 टाइप्स हो सकती है स्टूडेंट की, और आपसे निवेदन है कि आप उसमें अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन सी में आ रहे हैं, और आपका टारगेट अल्टीमेटली जॉब होना चाहिए। सिर्फ कैटेगरी में आना नहीं हो सकता, कैटेगरी एक उसको दिशा दे रही है कि आपको कौन सी कमी है या कौन सी आप किस लिहाज से बेटर प्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर मैं टाइप वन की बात करूं वो कौन से स्टूडेंट होंगे, टाइप वन में देखिए वो स्टूडेंट को रखा है मैंने, हाईली मिसगाइडेड होते हैं ये। आमतौर पे क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो हर तरह के एग्जाम का फॉर्म हर तरह के एग्जाम में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना ज्यादातर टाइम अप्लाई करने में निकल जाता है या गपशप में निकल जाता है, नॉट वांट टू चेंज और लर्न, चेंज करने की अपने आप को चेंज करने की पोजिशन में नहीं होते या चेंज नहीं करना चाहते, लर्निंग मोड में नहीं होते। और अगर एसएससी सीजीएल जो आईएएस के बाद दूसरा बड़ा एग्जाम है उसमें फोकस नहीं होगा तो ऑब्वियसली जॉब नहीं लगेगी, और अगर आप फोकस करेंगे तभी जॉब लगेगी। तो इसका मतलब आप फुली डेडिकेटेड नहीं है इसके प्रति, अगर डेडिकेटेड नहीं है तो क्वेश्चन मार्क होगा। अप्लाई फॉर एवरी एग्जाम फ्री ट्रायल, इनकी एक आदत होती है हर ट्रायल क्लासेस या फ्री चीजों की तरफ बहुत भागते हैं ये लोग, इनको सब कुछ फ्री चाहिए, फ्री लंच जहां जहां पे फ्री मिलेगा, फ्री सोशल मीडिया, फेसबुक वाले बहुत सारे फेसबुक पे एक्टिव रहेंगे ये लोग, ऑलवेज लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड। और जो गपशप करने वाला वो अलग एक टोली होती है, जैसे स्कूल कॉलेज में हम देखते हैं वैसे ही जब एग्जाम की प्रिपरेशन होता है इस कैटेगरी के स्टूडेंट उस दिशा में भागते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि क्या इससे कोई जॉब मिल सकती है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। इसका मतलब इस तरह के स्टूडेंट को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं हुआ
तो हालात इनको चेंज करके नीचे फेंक देगी। तो बेटर ये है कि अगर जॉब चाहिए तो जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आप उसकी तरफ बढ़िए, वरना लाइफ में पिसड़ जाएंगे। दूसरी टाइप वो कौन सी होती है? ये पहली टाइप वाले हो सकते हैं एक साल से तैयारी करे, दो साल से तैयारी करे, छह महीने से करे, दो महीने से करे, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो इधर उधर घूम जाकर। लेकिन टाइप टू वाले अभी फ्रेशर है, उन्होंने स्टार्ट नहीं किए कोई तैयारी, हो सकता है कॉलेज में अभी फाइनल ईयर हो, क्योंकि पिछले दो साल से जो स्टूडेंट फाइनल ईयर जो बीएससी या बीटेक या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे और जिनकी डिग्री आमतौर पर अगस्त तक हो जाती थी, जिनके रिजल्ट आ जाता था, वो अप्लाई कर सकते थे या अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है ये उस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, या फाइनल ईयर नहीं है, एग्जाम हो चुका है, उनका रिजल्ट आ चुका है, एक साल भी हो चुका है, दो साल हो चुका है, लेकिन एसएससी सीजीएल की तैयारी में वो फ्रेशर है। तो टाइप टू वो कैटेगरी वांट टू टेक चांस इन 2017, सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, अभी तक उनका सिलेबस नहीं हुआ, वो नए सिरे से एकदम फ्रेश रूप से शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको बहुत गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन हो सकता है उनमें काफी अच्छा टैलेंट हो, क्योंकि कोई भी इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, उसको स्टार्ट तो पहले शुरू से ही करना पड़ेगा, जीरो से तो करना पड़ेगा ही। हो सकता है वो बहुत फास्ट लर्न करे और वो टॉप भी कर दे, लेकिन शुरुआत कहीं से उसको जरूर करनी पड़ेगी। और टाइप थ्री कौन से? इसका मतलब इन लोगों की माइंडसेट और इन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा, ये लर्निंग मोड में इनकी संभावना काफी हो सकती है। टाइप थ्री, प्रिपरेशन फॉर क्वाइट सम टाइम, कंप्लीटेड सिलेबस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्कोरिंग 60-70 मार्क्स, मतलब कि वो दे रहे हैं 200 मार्क्स में, ज्यादा से ज्यादा 100 तक आ रहे हैं, 80 तक आ रहे हैं स्कोर, मतलब कि उन्होंने सिलेबस कवर किया है सिर्फ, प्रैक्टिस कभी नहीं की, जो किया था वो भूलने की सिचुएशन में पहुंच गए हैं, गंभीरता से कोई चीज नहीं ली अभी तक। लेकिन हम उनके बारे में यह नहीं बोल सकते कि वो लोग हाईली डिफोकस है, मतलब कि वो ट्रैक पे आने की संभावना काफी है अभी उनकी, सिलेबस कर चुके हैं और टाइम है अभी, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने की एबिलिटी होगी। यहां पर इसमें यह फर्क है कि ये बहुत हाईली डिसइंगेज्ड और नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी में गपशप में शामिल है। अगर कहीं एसएससी का किसी टाइटो का किसी सेंटर में वीडियो वो एग्जाम ठीक से नहीं हुआ तो उनका वीडियो देखने में 15 दिन लगा देंगे कि वीडियो देख रहे हैं और उस पर ढूंढ रहे हैं गूगल में सर्च करके कहां कहां मिस एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हुआ। वो फोकस कहां पे नहीं कर रहे, वो फोकस कंस्ट्रक्टिव चीजों पे नहीं है उनका, नेगेटिव चीजों पे ज्यादा है। यहां पे इस तरह की टेंडेंसी उनकी नहीं है स्टूडेंट की। टाइप फोर कौन से स्टूडेंट होंगे? प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग टाइम, कंप्लीटेड सिलेबस, स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं, स्कोर अच्छा मतलब यहां पर 90-100 में, अगर आमतौर पे पिछले साल अगर देखा जाए तो थोड़ा इजी पेपर की वजह से मेरिट काफी चली गई थी 137 कट ऑफ, लेकिन आमतौर पे अगर ठीक थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड आता है इसका तो 120 के आसपास जाए मेरिट, उस केस में ये लोग उसके नजदीक है। और इस केस में अगर देखें तो ये मानकर चलिए कि 120 के आसपास वो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, मतलब वो टायर वन में क्वालिफाई नहीं होंगे लेकिन टायर वन की तरफ बढ़ रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। स्ट्रगलिंग टू इंप्रूव, अब उनको ये पता नहीं है कि सिलेबस तो हो गया, जहां से कोचिंग कर रहे कोचिंग भी होगी, या कोचिंग नहीं कर रहे एक बार किताब पढ़ ली, लेकिन अब क्या करें आगे, तो वो जो आगे एक गाइडेंस होती है या आगे बढ़ने की उसको एक प्लानिंग होती है, यहां पे वो चीज गायब है। इसका मतलब वो 170 कैसे करे ये उनके दिमाग में आ नहीं रहा है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी भी हो, इनमें प्रोबेबिलिटी हो, पोटेंशियल हो, लेकिन यहां पर मिसिंग है कोई चीज। टाइप फाइव देखते हैं किस तरह स्टूडेंट होंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड और स्कोरिंग 150-100, ये लोग वो होते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका या तो सिलेक्शन हो जाएगा इस बार टायर थ्री में, या ये नॉन इंट्री पोस्ट जिसको हम बोलते हैं लोअर रैंक बोल सकते हैं, या उसके नजदीक पहुंच गए हैं, 5-10 नंबर की कमी है, लेकिन उनको बहुत कुछ आता है, सारी चीजें आती है, बस जॉब में थोड़ी सी कमी आ रही है। ऐसे भी काफी स्टूडेंट होते हैं, स्कोरिंग 150-70 रेंज, कई बार 150-70 का यहां पे मतलब
कि कई बार टायर वन में बहुत अच्छा कर देते हैं 157, लेकिन टायर टू में पिछड़ गए, या टायर टू में 150 नहीं कर पा रहे, 140 कर दिया उन्होंने, लेकिन टायर टू में अच्छा कर दिया लेकिन जॉब नहीं मिली, जॉब से रह गए क्योंकि टायर वन में कमी रह गई। तो कहीं ना कहीं वो लोग उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि जॉब से या तो लोअर लेवल की जॉब मिल रही है, ज्यादा हायर लेवल की जॉब की ट्राई कर रहे हैं, या वो थोड़ा बहुत कमी रह रही है किसी जॉब में, लेकिन आता बहुत सारी चीजें उनको। तो ऐसे स्टूडेंट जब अगली बार तैयारी करेंगे 2017 के लिए, उनके दिमाग में हमेशा यह जरूर होगा कि मैं इस बार बहुत अच्छी रैंक लूंगा। उनकी रैंक कैसे आए अच्छी, ये टाइप 5 वही होगी, नियर टू 100% सिलेक्शन, फाइटिंग फॉर ऑल इंडिया रैंक। तो इसका मतलब जॉब एश्योर टायर 5 जो प्रोग्राम है उसमें स्टूडेंट उनको रखा जाएगा, या उनके लिए है जो इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर रैंकिंग के लिए दौड़ेंगे, न कि ज्ञान वृद्धि के लिए दौड़ेंगे। ज्ञान वृद्धि होने से रैंकिंग कोई जरूरी नहीं है आए, लेकिन कंपटीशन लड़ने की आर्ट सीखना होगा और उस तरफ सोचना होगा कि टफ कंपटीशन कैसे लड़ा जाता है। टाइप 6 ये वो कैटेगरी है जिनके पास टाइम नहीं होता या बहुत कम होता है, एबिलिटी हाई, पीओ लगा हुआ है, एबिलिटी में इश्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है उसने स्टार्टिंग में पहले बैंकिंग की स्टार्ट करी तैयारी, बाद में पता चला कि मुझे तो एसएससी सीजीएल की करनी चाहिए थी, गाइडेंस का अभाव था, या एसएससी सीजीएल की कर रहा था कहीं से भटक गया रास्ते में तो बैंक पीओ का एग्जाम दे दिया, क्योंकि एसएससी सीजीएल काफी बड़ी जॉब है बैंकिंग की तुलना में। हालांकि ये नजरिया हो सकता है सोचने का, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे, एक है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर या कमिश्नर जाएगा और एक बैंक में काम करना कर्मचारी जाएगा, तो काफी ज्यादा रेपुटेशन में फर्क मिलेगा आपको। आईएएस के बाद दूसरी जॉब के लिए अगर ट्राई करनी है तो ऑब्वियसली एसएससी सीजीएल की तरफ आप जाएं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और कम टाइम, लेकिन थिंक फॉर बेटर गवर्नमेंट जॉब और ऐसी जॉब जो गवर्नमेंट जॉब हो उसकी तरफ सोचते हैं। आईटी प्रोफेशनल हो सकता है हाईली टैलेंटेड, लेकिन कई बार दिमाग में आता है घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। अगर वो स्टूडेंट तैयारी करे जॉब के साथ साथ तो कैसे करे, उसकी स्ट्रेटजी इनसे अलग हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब होगा कि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड, माइंडसेट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और उनका पर्टिकुलर लेवल या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके आधार पर हमने अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन कर दिए। और अलग अलग प्रोग्राम ज्वाइन एक ही करना है, लेकिन आगे जब रजिस्ट्रेशन आएगा ज्वाइनिंग के बाद में, तो इसे पूछा जाएगा आप किस तरह के स्टूडेंट हो, या हम बता सकते हैं आप उस तरह की कैटेगरी में पढ़ रहे हो। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि आप स्पेशलाइज तैयारी हो रही है आपकी, जब आपकी स्पेशलाइज तैयारी होगी आपका अटेंशन उन चीजों पर जाएगा जहां पर जरूरत ज्यादा है। और इस जॉब अश्योर प्रोग्राम का फीचर होगा कि कस्टमाइज अप्रोच ऑफ लर्निंग, कि जैसी बीमारी या जैसी रिक्वायरमेंट उसी तरह से उसका इलाज, कंप्लीट गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, वीडियोस, लेक्चर्स, ऑल टॉपिक कवर्ड, डे वाइज शेड्यूल होगा, डेली टेस्ट होंगे जहां पे रिक्वायरमेंट होगी डे वाइज। जैसे कि एक इसमें था कि बैंक पीओ या बाकी जो प्रोफेशनल के पास टाइम कम होता है, तो वहां पे डेली टेस्ट की जरूरत नहीं हो सकती, डेवाइस शेड्यूल की जरूरत हो सकती है, क्योंकि डेली टेस्ट होगा तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो है ही नहीं, टाइमिंग तो ऑलरेडी इश्यू बना हुआ है वहां पे, तो वहां पे ये जरूर हो सकता है। दंगल 90 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, उसका भी ये फीचर होगा। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, दंगल 90 हमारा एक बहुत एंबिशियस प्रोजेक्ट है। आपने सुना होगा आमिर खान की पिक्चर आ रही है दंगल, इस फिल्म में इसमें एक गांव की दो लड़कियों के बारे में स्टोरी है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत छोटे से गांव से उन्होंने किस तरह से जल्दी तैयार तय की, तो उसी से इंस्पायर होकर ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की हमने। इसमें 40 टेस्ट वो होंगे जो पिछले साल 2016 में टायर वन में हुए थे। इसका मतलब अगर वो सारे टेस्ट कर लेते हैं विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, प्लस 50 हमारे ऑलरेडी जो कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर जो टेस्ट आते थे उसके आधार पे प्लस मॉडल क्वेश्चन, 90 अगर आप करते हैं, और इसका ये पार्ट है जॉब अश्योर फीचर्स टायर वन में, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा।
तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होगी। जो ये कंटेंट होते हैं पिनेकल कोचिंग सेंटर के, आमतौर पर वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं। पहले ध्यान रखिए, जब आप ज्वाइन करें, ये हमारे कंटेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम में होते हैं। इसके पीछे ये है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के होते हैं, और कोई भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होता है वो वायबल तभी हो सकता है जब आप उसमें उसका इंप्लीमेंटेशन, जब आप प्रॉफिटेबल हो। जब प्रॉफिटेबल नहीं हो, लॉस में कोई चीज नहीं चलाई जा सकती। तो इस पे भी, लेकिन कई जैसे टेस्ट वगैरह हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। पोर्टल पे जो टेस्ट नजर आएंगे वो बाइलिंगुअल होते हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी ये कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम हिंदी के वीडियो भी बनाएं, और वो एक्स्ट्रा वीडियो हो इंग्लिश के अलावा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जरूर होते हैं जो कुछ एक चीजों में हिंदी में समझना चाहते हैं। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट को भी यह समझना होगा कि जो कोई प्रोजेक्ट अगर सक्सेस तभी होगा जब वो प्रॉफिटेबल होगा। और ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट साउथ इंडिया से होते हैं, बहुत सारे ईस्ट से होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, एमटेक होते हैं, बीटेक होते हैं, अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो सारे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ हिंदी के वर्ड साउथ इंडियन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ पाते, इसलिए वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो आप इस बात को समझने की भी कोशिश उस नजर से भी कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करेगा उसको इंग्लिश जरूर अच्छी आती होगी। दिल्ली टॉप 5, वी विल अनाउंस दिल्ली टॉप 5 परफॉर्मर एट पिनेकल्स वेबसाइट। अगर हम स्टूडेंट को यह बताना स्टार्ट करें कि आप परफॉर्मर के साथ लड़ना है, आपको इस कंपटीशन के बेंचमार्क की तरफ आप बढ़िए, तो आपको वहीं पे इमीडिएटली पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कितनी दूर हूं। और अगर आप पार्टिसिपेट कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो आमतौर पर आपको पता चल जाएगा कि मुझे जॉब से दूर होता जाऊंगा मैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता रह जाएगा। तो आप उसकी तरफ भागेंगे कि मुझे तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए, या इमीडिएटली मुझे भी एक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर देर हो जाए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। 5 चैंपियन वीकली अनाउंस किए जाएंगे, उसमें बेस्ड ऑन वीकली ट्रैकिंग दोज हु विल लैगिंग बिहाइंड विल गेट अ मेंटरशिप कॉल फ्रॉम बलजी ढाका। आप मुझसे कॉल मिलेगी उनको, ताकि मुझे पता चले कि किस दिशा में वो स्टूडेंट क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा है। अगर हम उस स्टूडेंट को समझ लेते हैं या स्टूडेंट हमें समझा पाता है, तो हो सकता है समय रहते कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सके, जिससे कि जॉब लगने की तरफ है संभावना बढ़ जाए। देयर विल बी डेली इवैल्यूएशन टेस्ट ऑनलाइन, यू कैन नॉट मिस इवन ए सिंगल टेस्ट, बैक एंड टीम विल कॉल सेंड अलर्ट टू रिमाइंड यू। आज के टाइम में जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, हमारी टीम भी, हम बहुत तेजी से मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब का, आईटी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपकी तैयारी के साथ जोड़ना चाहते हैं, आपको इंगेज रखना चाहते हैं, जिससे कि हर रोज माइंड में जॉब आए। आपको सिर्फ कोचिंग नहीं, जॉब से रिलेशन आपका होना चाहिए। सेपरेट यूजर आई डी एंड पासवर्ड विल बी गिवन फॉर जॉब अश्योर टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं टेस्ट पोर्टल पे फायदा तभी होता है जब आप टेस्ट पोर्टल पे रियल टेस्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ कोई किताब में या वैसे टेस्ट करें तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि आप ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर करें, क्योंकि एग्जाम तो टेस्ट पोर्टल पे ही होना है। बैक एंड ऑपरेशन टीम आपको 50 बंदों की टीम सपोर्ट करेगी आपकी प्रिपरेशन में, ताकि हर तरह से कोई कमी नहीं रह जाए और हर तरीके से अच्छी तैयारी हो। इस बात को हम लोग इंश्योर करेंगे। दिस टीम विल असिस्ट इन इंप्लीमेंटिंग दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, चाहे वो आईटी से रिलेटेड टीम हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टीम हो, चाहे वो कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो मेकिंग टीम हो, या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सर्विस सपोर्ट से रिलेटेड टीम हो, चाहे वो रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड टीम हो, कंप्लायंस टीम हो, अलग अलग रूप में लगभग 50 बंदों की टीम आपकी सपोर्ट करेगी। और ये जो प्रोग्राम है, जो कि हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा, टायर वन जॉब एश्योर प्रोग्राम, वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे आप बोल सकते हैं,
उस दिन स्टार्ट होगा। ज्वाइन एंड रजिस्टर फॉर योर टाइप टिल 25 दिसंबर। आपको पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपके पास कुछ टाइम के बाद 7-8 घंटे के बाद वर्किंग आवर्स के बाद एक ईमेल आएगी जिसमें रजिस्टर करना है और उस रजिस्टर में फिर आपको टाइप बतानी है। अगर आप नहीं बता सकते तो ईमेल डालकर आप पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह की टाइप में आ सकता हूं, जिससे कि एक बेटर गाइडेंस की संभावना आपके पास हो। यू विल गेट फर्स्ट वीक टारगेट एंड डे वाइज प्लान ऑन 24 दिसंबर नाइट। 24 दिसंबर नाइट को आपको टारगेट मिल जाएगा एक वीक का, और हर रोज मतलब डे वाइज डिवाइड होगा कि आपको 25 तारीख को ये करना है, 26 को ये करना है, 27 को ये करना है, 28 को ये करना है। इस तरह से आपको टारगेट हो जाएगा और उसके बाद रात को या शाम को आप टेस्ट दे सकते हैं कि आपने जो टारगेट था उसका कितना आपने किया, और आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप टॉपर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि क्या मैं टॉप में हूं या नहीं हूं। जॉब एश्योर प्रोफेशनल वीकली टेस्ट। जो स्टूडेंट जो टाइप नंबर 6 थी उसमें डेली टेस्ट नहीं होंगे, डेली शेड्यूल होगा, क्योंकि अगर डेली टेस्ट होना स्टार्ट हो गया तो प्रॉब्लम वहां पे टाइमिंग फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि टाइमिंग नहीं है उन स्टूडेंट के पास और उनका सिलेबस हम जल्दी फटाफट कंप्लीट करके जो दंगल 90 है उसकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं उनको, ताकि उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करें। मतलब कि 80% से ज्यादा वो टेस्टिंग करें और 20% थ्योरेटिकल करें। उन बच्चों का लेवल ऑलरेडी काफी हाई है और वो सिलेबस एक बार कवर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें उसको आती भी मिलेगी। तो जो भी शोर के लिए वीकली, बाकियों के लिए शेड्यूल होता है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 3 रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन कोचिंग बैच 2017-18 या 2016-17 या फिर हार्ड ड्राइव कोर्स, उनको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी प्रोग्राम में हमारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, 2017 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जॉब एश्योर प्रोग्राम है, या तो उनको ज्वाइन करें, उसकी फीस 6,000 रुपीज है, या ऑनलाइन कोचिंग बैच 2017-18 उसको ज्वाइन करें, उसकी फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन अभी उस पर 30% डिस्काउंट करंटली चल रहा है, कभी भी वो बंद हो सकता है, तो आप इमीडिएटली ज्वाइन करने की कोशिश करें उसको, 7,000 उसकी फीस है। और थर्ड कैटेगरी है, क्यों थर्ड कैटेगरी होगी, हार्ड ड्राइव कोर्स। हार्ड ड्राइव कोर्स 2017-18, इस हार्ड ड्राइव कोर्स में जो फीस 14,000 है उसमें 40% डिस्काउंट है, 8,400 उसकी करंट में फीस होगी, और ये कभी भी जो डिस्काउंट है वो बंद हो सकती है। तो जितना कोशिश करें जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि हार्ड ड्राइव कोर्स होता है उसकी मैं अगली स्लाइड में फीचर बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इन दो कोर्स में इसमें क्या फर्क है। इसमें मैंने बताया जैसा कि ये सिर्फ 2017 टायर 1 से एसोसिएटेड है, उसका टायर एसएससी सीजीएल टायर 2 के साथ कोई लेना देना नहीं है, टायर 3 के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा टायर 1 का 2017 का, ये प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनलाइन कोचिंग बैच, जो स्टूडेंट ये ज्वाइन करते हैं, हालांकि फीस में कोई ऐसा डिस्काउंट के बाद फर्क नहीं है ज्यादा, लेकिन फीचर्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ये प्रोग्राम टायर 1, टायर 2, टायर 3, 2017 और 2018 ये दोनों को कवर करता है, और अगर कोई 2016 में टायर 3 दे रहा है तो उसको भी कवर कर रहा है, उसका एक्स्ट्रा में इसको कवर कर रहा है बिना किसी फीस के। इसका मतलब उसमें जितने भी हमारे इनिशिएटिव लॉन्च होते हैं तो 2 साल के लिए उसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कैन पार्टिसिपेट इन एनी इनिशिएटिव लाइक जो भी शोर टायर 1, जैसे अभी ये 2017 के लिए लॉन्च हो रहा है, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टायर 2 में जो भी शोर, टायर 2 हमारी सीरीज होती है, जो भी शोर जो सीरीज होती है वो डेली मॉनिटरिंग एक्टिविटी या डेली शेड्यूल से रिलेटेड सीरीज होती है। टायर 3 होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गेट एक्सेस ऑफ सभी ट्रैक टेस्ट, वो डेली टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, दंगल 90 हो या टायर 2 की 80 टेस्ट सीरीज हो, सभी का वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी में, जो टायर 3 की हो। गेट वीडियो स्टडी मटेरियल पीडीएफ गाइडेंस रेगुलर अपडेट इमीडिएट एक्सेस ऑफ अराउंड 1200 वीडियोज उनको मिलते हैं, इमीडिएट एक्सेस मिल सकता है, और जितने आगे वीडियो बनेंगे 1-2 साल में लगभग 2000 के आसपास टोटल वीडियो आप बोल सकते हैं इस दौरान प्रोसेस में बढ़ेंगे, उनको इतने वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। कैन सेंड आवर हार्ड ड्राइव, ये लोग अपने कोर्स को अपग्रेड नहीं करा सकते क्योंकि ऑलरेडी हार्ड ड्राइव होता है, वो उसकी फीस वो अपने आप में एक महंगा
आइटम होता है। हार्ड ड्राइव अपने आप में लगभग 3,000 के आसपास उसकी कॉस्ट होगी, लगभग 250 या 300 GB की हार्ड ड्राइव होती है, जिसमें कि 210 GB के आसपास कंटेंट होते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मिलती है और उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। इसलिए ये ज्वाइन करने के बाद हार्ड ड्राइव में आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनके पास खुद की हार्ड ड्राइव है या खरीद लें, वो हमें भेज दें और हमें बिना हम उसमें बिना चार्ज किए हुए, कोई फर्दर चार्जेस नहीं होगा उसको, उस हार्ड ड्राइव में सारे वीडियो होंगे या सारा कंटेंट होगा, वो अपलोड करके कुरियर से भेज देंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो ये फैसिलिटी हम उसमें देते हैं। जो हार्ड ड्राइव कोर्स है उसमें जो सारे वीडियो होंगे पीडीएफ होंगे वो हम लोग डिस्पैच करते हैं उसके एड्रेस पे और विद इन 7 वर्किंग आवर्स वो पहुंच जाते हैं। उसकी कॉस्ट जैसे मैंने बताया 14,000, लेकिन डिस्काउंट के बाद 8,400 और उसमें आप सोच सकते हैं 300 के आसपास उसकी जो कॉस्ट है वो हार्ड ड्राइव कॉस्ट होती है और ये हार्ड ड्राइव आपकी अपनी बन जाती है। और खास बात इसमें क्या होगी कि आप इस हार्ड ड्राइव से वीडियो कॉपी करके अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में या मोबाइल में डाल सकते हैं, मतलब कि ये कॉपीएबल कंटेंट होगा। और जब आपका आपको लगे कि हमें और वीडियो की जरूरत है, और आपको क्योंकि आप ऑनलाइन कोचिंग बैच के भी हिस्सा है, जो हार्ड ड्राइव स्टूडेंट होता है वो ऑनलाइन कोचिंग बैच का अपने आप ही हिस्सा बन जाता है, उसको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये करता है तो सारी चीजें उसको एक्सेस होती है ऑनलाइन भी, इसका मतलब उसके पास ऑनलाइन सब फैसिलिटी आ रही है, तो उसको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी वीडियो और बन रहे हैं। और जब एक सुफिशियंट अमाउंट में वीडियो और हो जाए तो अपनी हार्ड ड्राइव खाली करके वापस भेज दे हमें, हम बाकी सारे वीडियो अपलोड करके उसको दोबारा भेज देंगे। इस फैसिलिटी के कोई चार्जेस नहीं है और ये फैसिलिटी 2 साल तक होती है, 2 ईयर्स तक सपोर्ट आपको मिलेगी। गेट्स रीलोडिंग फैसिलिटी ऑफ वीडियो कंटेंट, तो ये रीलोडिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे हार्ड ड्राइव कोर्स का होता है, और इसमें टायर 1 टायर 2 टायर 3 या सारे इनिशिएटिव होते हैं वो कवर होते हैं। तो आप बोल सकते हैं हार्ड ड्राइव कोर्स इनफैक्ट है वीडियो थ्रू हार्ड ड्राइव या पीडीएफ थ्रू हार्ड ड्राइव प्लस कुछ पोर्शन ऑनलाइन आप बोल सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी या डे वाइज शेड्यूल आपको पता चलेगा ऑनलाइन, तो उसमें ऑनलाइन फीचर आपको साथ में एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं विदाउट एनी चार्जेज। तो इसका मतलब 3 तरीके से आप ये जॉब अश्योर टायर 1 17 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप ये कोर्स कीजिए SSC CGL या हमारी वेबसाइट आप SSC CGL Pinnacle.com उस पर जाइए, वहां पे आपको ये 3 लेफ्ट साइड में इस तरह से मिलेगी। SSC CGL 2017 एंड 18 आप ये ज्वाइन कीजिए, 2 साल आपको फैसिलिटी मिलेगी, अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो कोर्स है इसका एक फीचर है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं सिर्फ टायर 1 पे ही फोकस करना चाहते हैं तो आप ये टायर 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। और अगर आप हार्ड ड्राइव कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जैसे ही आपने किसी पे क्लिक किया वो आपको पेमेंट गेट ऐसे नजर आएगा, वहां पे पेमेंट आपको instamojo.com ऐसे नजर आएगा। यह हमारा पेमेंट वेंडर है, इसका काम पेमेंट कलेक्शन करना है। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हम लोग करते हैं, पिनेकल करता है या सर्विस प्रोवाइड की जाती है पिनेकल द्वारा की जाती है, लेकिन ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है। तो यहां पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको नजर आएगा, वहां पे आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। आमतौर पे जो हार्ड ड्राइव स्टूडेंट होते हैं एड्रेस हम लोग उससे बाद में पूछते हैं, एड्रेस बाद में पूछते हैं, लेकिन पहले ये डिटेल भरनी होती है, खरीदने के बाद हम लोग वो कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए आप इसको एड्रेस नजर ना आए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पहले ज्वाइन करना है उसके बाद हम लोग एक्शन अपने आप लेते हैं। और जैसे ही ये जॉब अश्योर टायर 1 आप ज्वाइन करें या कोई भी इसमें 3 कोर्सेज में ज्वाइन करें, आपको हम लोग 7-8 घंटे के वर्किंग आवर्स के बाद एक रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजेंगे और उस पर आपको रजिस्टर करना है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं, या हम हमसे पूछ सकते हैं ईमेल डालकर कि मैं किस टाइप में आता हूं अगर आपको समझ में ना आए तो। जैसे आपने टाइप की, इसका मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अलग अलग स्टूडेंट की, और उस लिंक से हमारे पास डाटा आ जाएगा कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और उसमें फिर आप हम लोग आप अपडेट करते रहेंगे। उस लिंक के अंदर 1-2 लिंक और प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आपको MIS का पता चलता रहेगा, आपकी अपने बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और मोबाइल के जरिए भी आपको पता चलता रहेगा कि अभी क्या हो रहा है। तो ईमेल और मैसेज आप बोल सकते हैं वो आपके पास आते रहेंगे, अपडेट आते रहेंगे।
तो इस तरह से आप उस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कितने किस ढंग से ये प्रोग्राम से डे वाइज शेड्यूल, डेली टेस्ट, 90 फुल एंड टेस्ट डंगल सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो कंटेंट, सिस्टमेटिक प्लानिंग, अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो मुझे लगता है कि एसएससी सीजीएल 2017 उसमें बहुत अच्छी आपको जो मिलेगी। उम्मीद करता हूं और आपके लिए बेस्ट विशेष मेरी कि 2017 में आपको बहुत अच्छी जो मिले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।